जिनका पोएट्री करके दिल नहीं भरता, लेकिन कॉमेडी के साथ साथ पोएट्री का इनका कॉम्बिनेशन है खूब चलता। प्लीज वेलकम द कॉमेडी किंग रजत सूद फ्रॉम दिल्ली। सर, आपकी एक मूवी आई थी शादी में जरूर आना, मैं इनकी शादी में पहुंचा, इन्होंने भगा दिया। मैम, उस मूवी में इन्होंने दिखाया कि एक सीन में इनका दिल टूटा है, अगले सीन में ये आईएएस ऑफिसर बन गए। अरे बीच का कौन दिखाएगा? पड़ोसियों के ताने, बढ़ता हुआ सिलेबस, बाप की गाली, कुछ नहीं दिखाया। पर इनकी फैन फॉलोइंग मैंने देखा बहुत ज्यादा है सर आपकी। yes. तो मैंने इनके लिए शेर लिखा। सर, अगर आप इजाजत दो तो मैं सुनूं। इरशाद, इरशाद। इरशाद। कि कितनी लड़कियों ने तुम पे ऐसे जान फेंकी। ब्लश कर रहे हैं। तो मैंने तब सर एक शेर लिखा कि कितनी लड़कियों ने तुम पे ऐसे जान फेंकी है, चुरा कर घर से कुछ पैसे, तुम्हारी फिल्म देखी है। और मैम, मैं सबसे पहले तो पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि पिछला एपिसोड जब से टेलीकास्ट हुआ है, मुझे जनता का बहुत प्यार मिला। वेरी हैप्पी। और मैंने एक चीज नोटिस की कि मेरे पास सिर्फ आशिकों के मैसेज आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, उनको लग रहा है हमें मिल गया हमारा लव गुरु। मैम, एक बंदे का मैसेज आया, भैया गर्लफ्रेंड कहाँ मिलेगी? मैंने कहा तुझे लगता है मुझे पता है? फिर मैंने उसे अपना ही नंबर दिया। एक हफ्ता बात करी मैंने उससे। अच्छा। लड़की बनकर। फिर मैं उसकी गर्लफ्रेंड बनी। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि किसी की तो तन्हाई दूर हो यार। सुरेंद्र सर, सीरियसली नहीं लेना, कहीं आज इन्हीं का मैसेज आ रहा, कह रहे तन्हा तो हम भी बहुत। और मैम, जनता ना अलग अलग तरीके से प्यार देती है ना। तो जैसे एक लड़के का मेरे को मैसेज आया, सर बढ़िया आदमी है तू। मैंने कहा ये कैसी इज्जत है, या तो सर हटा दे या तू हटा दे। मैंने उसे बताया, मैंने कहा भाई कुछ चीजें साथ में लिखकर सेंस नहीं बनाती, जैसे सरकारी नौकरी और टाइम पे काम, जैसे इंजीनियर और लव मैरिज, या जैसे बिजनेस ट्रिप और थाईलैंड। खैर, मैं अपनी आशिकों पर आता हूँ। आज के मेरे सेट का नाम है तुम्हारे बाद। आए हाय, तुम्हारे बाद। तुम्हारे, ये दिल पे लगा तुम्हारे ना? सबके लगा, सबके। सारे राजी हो जाते हैं, कह रहे सुनाओ यार, दर्द ताजा ही कर दो यार। पर आपने देखा, प्यार में जब हम होते हैं ना, हमारे ऐसे छोटी छोटी चीजों से दिन बन जाता है। है ना, जैसे एक दिन मैं सो के उठा, मेरी गर्लफ्रेंड का मैसेज आ रखा था कि बेबी तुम्हें पता है तुम दुनिया के बेस्ट इंसान। मैं बेस्ट देख रहे हो? मैं दो दिन से नहाया नहीं था। ओह गॉड। तीन दिन से मैंने कपड़े नहीं बदले थे, मेरा साबुन नाराज हो गया, कह रहा दीदी प्यार में हो तो कुछ भी बोलोगी क्या? होता ना कि जब आप रिलेशनशिप में होते ना, तो आपके मन में जितने भी सवाल आते हैं आप अपनी गर्लफ्रेंड से पूछ लेते। है ना, तो मैं ऐसे पूछता था कि बेबी तुम्हें क्या लगता है हमारे मिलने से ही बारिश होती है? वो भी कह देती थी कि हाँ हाँ, हमारे मिलने से ही होती है। और हम ऐसे खुश हो जाते थे, लेकिन फिर ब्रेकअप के बाद बेबी ने ब्लॉक कर दिया। मैं ज्यादा पीछे भी नहीं पड़ सकता था, क्योंकि बेबी का भाई जिम जाता था। ये ढांचा आप देख ही रहे हो। हाँ, दिख रहा। जितना मेरा वजन है उतना तो वो प्रोटीन खा लेता। मैं जिंदगी में बहुत जल्दी समझ गया था कि ऐसे इंसान को मैं चूंटी मारकर तो नहीं हरा सकता। तो मैंने शायरी शुरू कर दी। अच्छा। तो मैंने तब लिखा था कि तुम लफ्जों से खेल के अब आबाद किसे करते हो यार, वो इश्क विश्क जो भी था मेरे बाद किसे करते हो यार।
मैम मैंने ना ब्रेकअप के बाद वही किया जो हर आशिक करता है, मैंने सैड सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट बनाई है ना, तुम सबने किया मुझे पता है सबने है ना, मैंने जगजीत सिंह से अरिजीत सिंह सब ऐड कर दिया था जितने सैड सॉन्ग उन्होंने 40 साल में बनाए मैंने 4 दिन में सुन लिए थे और मैम मेरी ना एक ब्रेकअप सैड सॉन्ग्स थ्योरी है। अच्छा क्या? मैं किसी भी आशिक की प्लेलिस्ट देखकर ये बता सकता हूँ कि ब्रेकअप क्यों हुआ। अब जैसे मान लो आशिकी 2 मूवी के गाने ज्यादा हैं, इसका मतलब आदतों का इशू था। आपको अपने पार्टनर के दिल में प्यार भी दिख रहा था और लंग्स में टार भी। अगर रांझना मूवी के गाने ज्यादा हैं, इसका मतलब घर वालों का इशू था। कि आपके सपने में एक सीन आता था सिंदूर लगने का और दूसरा आता था गोली लगने का। और अगर मान लो तमाशा मूवी के गाने ज्यादा हैं, इसका मतलब करियर का इशू था। कि आपको समझ में आ रहा था कि ये बच्चों को प्यार तो दे सकता है पर उनके ट्यूशन की फीस नहीं। और अगर मर्डर मूवी के गाने ज्यादा हैं देखो, और अगर मर्डर मूवी के गाने ज्यादा हैं तो हर आदमी का अपना अपना शौक होता है। देखो तो मैंने तब अगला शेर लिखा था कि एक सवाल हर एक दिन हर पल दिल पर दस्तक देता है, तुम अरिजीत को सुनते हो तो याद किसे करते हो यार, वो इश्क विश्क जो भी था मेरे बाद किसे करते हो यार। बहुत होता है, मुझे ऐसा लगता है कि सर प्यार ना हमारी जिंदगी को आसान बना देता है। जैसे एक बार मेरे बुखार हो गया तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बताया कि मेरे बुखार हो गया, तो उसने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे माथे पर किस की। और कहती अब ठीक हो जाएगा और मैं भी मान गया और सर कोइंसिडेंटली मेरा बुखार उस दिन ठीक हो गया। मुझे लगा बुखार ऐसे ही उतरता है तो एक दिन हमारी क्लास टीचर क्लास में आई और बोली आज मैं नहीं पढ़ाऊंगी। तो हमने पूछा क्यों मैम, कहती मुझे बुखार हो रहा है। अब मैम मैं हमेशा से बहुत ही केयरिंग बच्चा रहा हूँ तो मुझे लगा मेरी अध्यापिका एक उलझन में है, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। मैं उनके पास पहुंचा पर इससे पहले कि मैं उनका बुखार उतारता उन्होंने मेरा भूत उतार दिया। तो मैंने तब लिखा था कि फिजा के करके हम जैसे तिनके अंबर में उड़ते हैं, माथा चूम अब फिक्रों से आजाद किसे करते हो यार, वो इश्क विश्क जो भी था मेरे बाद किसे करते हो यार। और ऐसा होता, मुझे ऐसा लगता है ब्रेकअप के बाद ज्यादा दुख तब लगता है जब आपको पता लगता है कि आपका एक्स अब किसी और के साथ है। तो मैं ना अपने आप को उस लड़के से कंपेयर ही करने लगा था। हाँ, कि जैसे उसकी इंग्लिश अच्छी थी तो मैं भी इंग्लिश मूवीज देखने लग गया। अच्छा। मजा ही बहुत आता। जैसे उसकी ना दाढ़ी मूछे अच्छी थी तो फिर मैंने स्केच पेन खरीद लिया क्योंकि इस बंजर जमीन का कुछ नहीं हो रहा था। तो मैंने तब अगला शेर लिखा था कि आप भगवान से नाराज हो जाते हो ना, कि मौला शायद तुझको भी पहचान नहीं है चेहरों की, शीरीन की मोहब्बत में फरहाद किसे करते हो यार, वो इश्क विश्क जो भी था मेरे बाद किसे करते हो यार। और ना मैं अपने आप को उससे इस हद तक कंपेयर करने लगा था कि जब मुझे पता लगा कि उसके पापा ने 2 शादी की है तो मैं अपने पापा के पास गया। मैंने कहा पापा आपकी मदद चाहिए होगी और पापा गुस्सा ही करने लग गए, फिर एकदम से इमोशनल हो गए और बोलने लगे कि ये आइडिया तेरे पास पहले क्यों नहीं आया। इमोशनल होकर बोलने लगे। तो तब मैंने आखिरी शेर लिखा था कि इश्क की महफिल वालों
तुम भी कुछ बातों का ध्यान रखो। गजलें कौन सुनाता है, इरशाद किसे करते हो यार। वो इश्क विश्क जो भी था मेरे बाद किसे करते हो यार। बेहद शुक्रिया इतनी तसल्ली से सुनने के लिए, थैंक यू सो मच। रजत, तुमने एक नया आयाम जो तय किया है ये कॉमेडी के जरिए, जो पहले नहीं था, एक नई विधा की जो शुरुआत तुमने की, वो बेहद खूबसूरत है। और मेरी दिली ख्वाहिश है कि तुम्हें मैं फाइनल्स में देखूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। रजत, बहुत मजा आया। थैंक यू। बहुत टैलेंटेड हो आप। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। रजत, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ। लगता है आप बहुत ही बड़े दिल जले हो आप, मतलब। तो आपको क्या लगता है कि जब बहुत लोगों का ब्रेकअप होता है, हम सबका होता ही है कभी ना कभी जीवन में एक बार, तो ब्रेकअप के बाद ऐसी क्या चीज है जो नहीं करना चाहिए? मेरे को खुशी है कि आपने शादी के बाद ये सवाल पूछा। ये भी अपने आप में अलग इंटरेस्ट है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि सर, ब्रेकअप के बाद कुछ भी करो, है ना, रो धो, है ना, खाओ पियो, लेकिन एक चीज जो नहीं करनी चाहिए वो है कि दीवार पर यह मत लिखो कि सोनम बेवफा है। हाँ सर, कुछ लोग ये लिख के चले जाते हैं, बट यही सर मुझे लगता है ये नहीं करना चाहिए, किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। रजत, तुम्हारी उम्र तो ज्यादा नहीं है, नहीं, लेकिन तुम्हारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा होगा, बिकॉज जो मटेरियल तुम हमारे सामने पेश कर रहे हो वो इतना बेहतरीन है, इतना प्यारा है, उसमें दर्द भी है, उसमें इश्क भी है, उसमें खुशबू भी है, उसमें यूथ भी है, उसमें बहुत कुछ है, और ऐसे ही कलाकार की हम खोज में हैं जैसे तुम। थैंक यू सो मच। थोड़ा बारीकी से देखो तो उसमें आप भी हो। वाह। रजत, जैसा कि पिछली बार भी हमने कहा था कि आप इंडियाज लाफ्टर चैंपियन के होप हैं और लाफ्टर की टॉप हो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.